हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे डी सम का फार्मूला। और इस फार्मूले के फंक्शन समझने से पहले मैं आपको ये एक दफ़ा फिर से रिकॉल करा दूं कि डी सीरीज़ के जितने भी फार्मूलाज हैं उनके बहुत से सेशंस बन चुके हैं, बहुत से पार्ट उनके आ चुके हैं। तो ये उसका ऑलमोस्ट पार्ट 7 है। तो आप सबसे पहले जाके वो पार्ट्स देखें, उन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो डी सीरीज़ के ऑलमोस्ट सब फार्मूला जो हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो आज के इस फार्मूले का फंक्शन क्या है? बेसिकली डी सम का फार्मूला है और ये सम करता है, टोटल दिखाता है। और इसका फंक्शन ये है कि ये पूरी डेटाबेस को चेक करता है, उसको एनालाइज करता है और उसके बाद हमें टोटल जो रिज़ल्ट होता है वो प्रोड्यूस करके दे देता है। तो मैं इसका अगर आपको एक सिंपल सा सेंटेक्स समझाऊँ तो उसी तरह सेंटेक्स से जिस तरह हमने पीछे वाले सेशंस किए थे, डी मैक्सिमम, डी एवरेज, डी काउंट ए, डी गेट, जितने भी हमने डी सीरीज़ के फार्मूला के सेशन किए, इसका सिंटैक्स बिल्कुल उसी तरह है। तो ये हमें सम देता है, वो उनमें से कुछ फार्मूला हमें कुछ एवरेज देते थे, कुछ ने हमें काउंट करके दिया, कुछ ने हमें मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के दिया। तो हर फार्मूले का डिफरेंट फंक्शन था, पर जो सिंटैक्स है वो ऑलमोस्ट सबका सेम है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा डी सम। डेटाबेस एक होना चाहिए जितने भी डी सीरीज़ के फार्मूलाज हैं। तो ये सीरीज़ का लास्ट सेशन है और अब हमें फील्ड सिलेक्ट करना है। फील्ड हम वो सिलेक्ट करते हैं जो हमने मालूम करना होता है, पर किस में से मालूम करना है ये हम यहाँ लिख देंगे कि वैल्यू ऑफ स्टॉक से हमें मालूम करना है। और अभी हम क्राइटेरिया दे देंगे, क्राइटेरिया मैंने सेट किया हुआ है। तो क्राइटेरिया की दो इन्फॉर्मेशन होती है, जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है ये ब्रांड है, नीचे वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये हॉरिजन है। तो दो तरह की इन्फॉर्मेशन से हम क्राइटेरिया बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये इंटर प्रेस किया, तो ये देखें इसने हमें इस पर्टिकुलर ब्रांड के टोटल जो है वो हमें बता दिया। तो अब हम इससे कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ये फार्मूला क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये जितने भी फार्मूला डी सीरीज़ के बने हैं अब तक वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पर एक प्रोडक्ट है और एक ब्रांड है, तो हमें इन दोनों का टोटल निकालना है। यहाँ पर मैंने ये डी सम लिखा और डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। फील्ड में हम वैल्यू ऑफ स्टॉक्स दे सकते हैं या कुछ और भी दे सकते हैं, बॉक्सेज में स्टॉक दे सकते हैं। और क्राइटेरिया में हम वो दे देंगे जो क्राइटेरिया हमने बनाया होगा, पर क्राइटेरिया आप टॉप ऑफ द कॉलम्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाएंगे, नाउन में स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए। ये देखिए रिजल्ट आ गया। ये हमें बेसिकली सम बताता है, टोटल बताता है, जो पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे या उसका हमें टोटल बना के दे देता है पूरी इंटायर डेटाबेस में से। और गाइस यही डिफरेंस होता है बिटवीन बेसिक लेवल ऑफ एक्सेल एंड एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल। आप एडवांस काम कर रहे होते हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट होने से बचाता है, वो काम आपका आसान कर देता है। तो आपके जहन में ये सवाल भी आएगा कि अगर आपको एडवांस ही सिखाना है और एडवांस ही करना है और एडवांस हमारा काम आसान कर देता है तो हम बेसिक लेवल ऑफ एक्सेल क्यों करते हैं? गाइस वो हम इसलिए करते हैं ताकि जब आप एडवांस करें तो आपको ये समझ आए कि इन एडवांस फार्मूलाज के बैक एंड पर क्या हो रहा है। तो बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिक आपकी बेस बनाता है, जिससे आप खुद से जब कोई फार्मूला क्रिएट करते हैं तो वो बेसिक लेवल ऑफ एक्सेल ही आपके काम आता है। तो जब भी आप एक्सेल सीखें तो गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा पहले बेसिक सीखें। बिगिनर हैं तो शुरू में जितने भी बेसिक है, बेसिक फार्मूलाज हैं, बेसिक टेप्स हैं, बेसिक फंक्शंस हैं एक्सेल के, वो आप सीखें। और अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्लेलिस्ट वाइज मेरे वीडियोस देखें। मींस आप अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले बिगिनर की प्लेलिस्ट देखें, उसके बाद अगर आपने वो सीख लिया है तो फिर आप बेसिक लेवल ऑफ एक्सेल में आएँ, फिर अगर आपने वो कवर कर लिया है फिर आप एडवांस में आएँ और उसके बाद एक्सपर्ट लेवल पर। तो डायरेक्ट अगर आप एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल पर आएँगे
तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पर अगर आ भी जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे आपको उनका सामना करना पड़ेगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पहले आपको बेसिक समझना चाहिए, उसके बाद आपको एडवांस समझना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल की, इसका रिज़ल्ट ये आया। और अब हम करते हैं यहाँ पर एक दूसरी एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर हमने ब्रांड की जगह यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है, तो पहले तो ये तय होगा कि प्रोडक्ट जो है वो बल्ब है, पर वो प्रोडक्ट जिनकी क्वांटिटी 100 है उनका टोटल हमने निकालना है। तो उसके लिए भी हम डीसम का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। ये डेटाबेस को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, और फील्ड हम दे देंगे बॉक्सेस या फिर बॉक्स क्वांटिटी दे देते हैं, और इसी तरह हम क्राइटेरिया दे देंगे। ये देखें गाइस, इसका रिज़ल्ट जो है वो 20 आया है। यहाँ पर इसी तरह की एग्जांपल एक और भी है मेरे पास, पर यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पर मैंने ऑपरेटर लगा हुआ है, मीन्स प्रोडक्ट तो बल्ब रहेगा पर उसकी वो टोटल निकालना है जिनकी क्वांटिटी 100 से कम हो, 100 से लेस हो, तो ये उसका टोटल हमें निकाल के दे देगा। सेम फार्मूला है डीसम का, और फिर फील्ड, और फील्ड हम खुद से भी पुट करवा सकते हैं, पर उसके लिए हमें डबल कोट्स ओपन करने पड़ेंगे और इसके अंदर लिखना पड़ेगा। अगर मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक से टोटल निकालना है तो मैं उसकी स्पेलिंग लिखूँगा बिल्कुल करेक्टली। और यहाँ पर अगर हम कॉमा प्रेस करेंगे तो क्राइटेरिया हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। क्राइटेरिया सेट करना है इसके लिए, दो तरह की इन्फॉर्मेशन से बनेगा क्राइटेरिया। ये देखिए, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। तो ये कुछ फार्मूलाज होते हैं जो हमारा काम जो है बहुत आसान बना देते हैं, इससे हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। बस एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, उसके बाद फार्मूला एक दफ़ा पुट कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ क्राइटेरिया चेंज करते हैं और फील्ड चेंज करते हैं, तो आंसर जो है वो आता रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि डीसम के फार्मूलाज जो डी बाकी जितने भी डी सीरीज़ के फार्मूलाज हैं उनके फंक्शंस बेसिक बेसिकली क्या हैं। तो आप मेरी इस इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, इनको शेयर कीजिएगा, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे चैनल पर अब बहुत सा कंटेंट जो है वो आना बाकी है। तो आप पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी एरर आता है आपको फार्मूला पुट करने में, आपने कोई नया फार्मूला बनाया है उसे आप शेयर करना चाहते हैं, या इस इन फार्मूलाज के अलावा भी कोई फार्मूला आपके जहन में है जिनमें एरर आ रहा है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन नीचे है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा जितने भी पेजेस हैं मेरे ट्विटर के हैं, फेसबुक के हैं, तो उन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट वहाँ पर दिखा सकते हैं, तो हम एरर देखकर आपको उसका आंसर भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।